चरखारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रिहुनिया निवासी दिव्यांग सुरेंद्र सिंह ने कोतवाली में दी गाली गलौच व धमकी देने की शिकायत। चरखारी महोबा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रिहुनिया निवासी दिव्यांग शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह पुत्र हीरा सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि गांव के चार लोग मर्दन सिंह, अजय सिंह, प्रदीप सिंह, अमर सिंह आए दिन उसे गाली गलौच करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। मना करने पर माँ बहन को भी गाली गलौच करते हैं, साथ ही अपने रिश्तेदारों से भी धमकी दिलवाते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि प्रतिवादियों के भय से वह अपने घर नहीं जा पा रहा है और ना ही अधूरे आवास का काम करवा पा रहा है। जब उस घटना को लेकर रिवाई चौकी इंचार्ज अनूप कुमार पांडे से दूरभाष पर बात की गई तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि घटना की जानकारी है, तहरीर प्राप्त हुई है, जिसको लेकर प्रतिवादियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी प्रतिवादी नहीं मिल रहे हैं। प्रतिवादियों के मिलते ही उचित विधिक कार्यवाही की जाएगी। चरखारी से जुगल किशोर द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से आप? अच्छा, विकलांग हैं? हाँ, विकलांग हैं। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? रिहुनिया से। कहाँ पर आए हैं अभी? थाना में, चरखारी थाना। अच्छा, क्या घटना हो गई, क्या शिकायत है आपकी? 28 तारीख को मर्दन सिंह पुत्र थायन सिंह, अमर सिंह पुत्र बंधन सिंह द्वारा मैं महोबा से लौट रहा था 7:30 पर। वो तो वह समोसे की दुकान पर खड़े थे। कहाँ पर? समोसे की दुकान पर, रिवई में। अच्छा, तो वो लोग हम गांव के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने चेक कर गाड़ियाँ गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। और इसके बाद जब मैं सुबह वहाँ से भाग गया जान बजाकर, तो इसके बाद वो लोग एप्लीकेशन देने चौकी पहुँचा। पहुँचने के बाद तुरंत वो मेरे घर पहुँच गए, पिताजी को गाली गलौज किया, माता को गाली गलौज की और साथ बहू को भी और मेरी बहन को भी। और शिकायत कर दी है आपने? हाँ, रिवई में कर दी है। अच्छा। और चरखारी कोतवाली थाने में 10 दिन आया हूँ। अच्छा। और मुझे न्याय दिलाई जाकर मैं 4 दिन से अपने घर नहीं जा पा रहा। हाँ। और मेरा मकान भी आवाज भी आधा पड़ा हुआ है, उसमें भी काम नहीं लग पा रहा।